पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कहा, कुछ लोग दल की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम देश की, देश में शांति और एकता पहले, सबका साथ सबका विकास जरूरी है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर हमला बोला, कहा पूर्व पीएम ने वंदे मातरम पर सवाल उठाए, क्या भारत माता पर विवाद होगा। संसद भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक जारी, बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेता मौजूद। लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक में जाहिर की नाराजगी, कहा आप लोग तय कर लें किस तरह से सुचारू रूप से सदन को चलाना है, कल जिस तरह से कुछ सांसदों का व्यवहार रहा कार्रवाई होगी। संसद में आज दूसरे दिन भी हंगामे के आसार, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई और मणिका टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। दिल्ली दंगे पर राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने राज्यसभा में दिल्ली दंगे पर चर्चा कराने के लिए नोटिस दिया। राज्यसभा में आज लेफ्ट ने भी दिया नोटिस, सांसद के रागेश ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत बाकी कार्रवाई रोककर चर्चा कराने की मांग की। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को सत्र शुरू होने से पहले सदन में पहुंचने का निर्देश दिया, कार्रवाई खत्म होने तक मौजूद रहने के लिए कहा। बजट सत्र के दूसरे चरण का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ा, चार बार स्थगित हुई लोकसभा की कार्रवाई। दिल्ली हिंसा को लेकर विपक्ष का लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा, अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष। बीजेपी ने कांग्रेस के चार सांसदों को निलंबित करने की मांग की, संसद में हंगामा करने का आरोप लगाया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ने के संकेत दिए, रविवार को फैसले का कर सकते हैं ऐलान। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, इस रविवार से फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब छोड़ने के बारे में सोच रहा हूं, इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। पीएम मोदी के ट्वीट के बाद ट्विटर पर #NoSir ट्रेंड करने लगा, बड़ी संख्या में फैंस और फॉलोअर्स ने प्लेटफॉर्म से दूरी नहीं बनाने की गुजारिश की। मोदी के सोशल मीडिया को लेकर ट्वीट पर राहुल गांधी ने तंज कसा, कहा सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं नफरत छोड़ी। अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा, कहा सोशल मीडिया नहीं अपना पद छोड़े पीएम, अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने पीएम मोदी पर मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया, कहा इसलिए कर रहे हैं सोशल मीडिया छोड़ने की बात। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भी पीएम मोदी पर खड़े किए सवाल, कहा आंख बंद करने से सच्चाई नहीं छिपेगी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने भी पीएम मोदी पर हमला बोला, कहा पीएम के साथ उनके समर्थकों को भी सोशल मीडिया छोड़ने की नसीहत, पीएम समर्थक माहौल खराब करने में लगे। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने पीएम मोदी पर तंज कसा, कहा सोशल मीडिया से हटने के लिए 8 दिन का समय चाहिए, लेकिन नोटबंदी का फैसला तो तुरंत ले लिया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान किया, कहा मैं अपने नेता के राह पर चलूंगा। कोरोना वायरस के दहशत भरे माहौल पर अनुपम खेर की सलाह, कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथ मिलाने की बजाय भारतीय संस्कृति के नमस्ते करने की सलाह दी। अनुपम खेर ने कहा भारतीय परंपरा का अभिवादन का तरीका नमस्ते है, हाथ मिलाने से या फिर एक दूसरे को गले लगाने से बेहतर है नमस्ते कहना। संसद परिसर में बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोमकर की कार बैरियर से टकराई, कार के टायर को पहुंचा नुकसान, सायरन बजने के बाद सुरक्षाकर्मी अलर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल थोड़ी देर में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, संसद भवन में मुलाकात होगी, तीसरी बार सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा की सुरक्षा दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई, अब वाई कैटेगरी की सुरक्षा घेरे में कपिल मिश्रा होंगे। दिल्ली दंगा मामले में अब तक 369 FIR दर्ज, पुलिस ने करीब 1300 लोगों को गिरफ्तार और किया और हिरासत में लिया। दिल्ली में अफवाह फैलाने के आरोप में अब तक 43 लोग गिरफ्तार, रविवार के दिन कई जगहों पर दंगा फैलाने की अफवाह उड़ी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी दी, देश विरोधी तत्वों की करतूत बताया। दिल्ली के मौजूदा हालात को लेकर पुलिस सतर्क, 15 जिलों के लिए जारी किया हेल्पलाइन नंबर। दिल्ली में माहौल खराब करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर, इंडिया टीवी पर बोले ज्वाइंट सीपी OP मिश्रा, हालात पूरी तरह नियंत्रण में। साउथ ईस्ट के DCP ने लोगों से अफवाहों को लेकर सतर्क रहने की अपील की, कहा पुलिस हर जगह मुस्तैद। दिल्ली हिंसा के दौरान पिस्तौल तानने वाले शाहरुख की तलाश में कई शहरों में रेड, पुलिस को UP में छिपे होने का शक। फॉरेंसिक टीम ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भजनपुरा समेत तमाम जगहों का दौरा किया, मौके पर पहुंचकर सैंपल इकट्ठा किए। दंगों के एक हफ्ते बाद दिल्ली के मौजपुर में खुली दुकानें, 23 फरवरी को मौजपुर में ही शुरू हुई थी पत्थरबाजी की घटना। दिल्ली के रजौरी गार्डन में पुलिस ने आम जनता के बीच भरोसा बढ़ाने के लिए मुनादी कराई, लोगों से दुकान खोलने और काम पर जाने की अपील। दिल्ली हिंसा के खिलाफ सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अमित शाह के इस्तीफे की मांग पर अड़े। दिल्ली हिंसा पर बोली ममता बनर्जी, का सुनियोजित नरसंहार है दिल्ली हिंसा।
असदुद्दीन ओवैसी ने भी दिल्ली दंगे पर सरकार को घेरा, कहा बहुत प्लानिंग और साजिश के तहत कराए गए दंगे। अलीगढ़ में नागरिकता कानून और एनआरसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन को प्रशासन ने बातचीत के बाद खत्म कराया, करीब 20 दिन से धरने पर बैठे थे लोग। अलीगढ़ में सीए और एनआरसी के विरोध में लोगों को धरने के लिए उकसाने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन की पहल, घर घर जाकर लोगों को समझाया। अलीगढ़ में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन खत्म कराने के बाद एक्शन में पुलिस, घर घर जाकर पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अलीगढ़ में डोर टू डोर कैंपेन के दौरान पुलिसिंग की दिखी अच्छी तस्वीर, पुलिस वालों के सामने लोगों ने खोलकर दिल की बात रखी। छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में सीए के समर्थन में निकाली गई तिरंगा यात्रा, बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने भी हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में किसानों ने सीए, एनआरसी और एलडीआर के खिलाफ पदयात्रा की, जलपाईगुड़ी से पहुंचे सिलीगुड़ी। अमित शाह के बंगाल विजय के लिए बनाया मेगा प्लान, हर महीने बंगाल का दौरा करेंगे, अक्टूबर में दुर्गा पूजा के बाद हर हफ्ते जाएंगे बंगाल। अमित शाह खुद मिशन बंगाल की कमान संभालेंगे, बंगाल फतह करने के लिए बीजेपी अभी से रणनीति बनाने में जुटी। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की आज फिर रामपुर कोर्ट में पेशी, सीतापुर जेल से सुनवाई के लिए रामपुर ले जाया गया। निर्भया केस के चारों दोषियों की फांसी एक बार फिर टली, दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक फांसी पर रोक लगाई, 6 हफ्ते में तीसरी बार टली फांसी। दिल्ली सरकार ने निर्भया मामले के दोषी पवन की दया याचिका खारिज करने की सिफारिश की, राष्ट्रपति को मिली दया याचिका के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के पास भेजी थी याचिका। फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा अभी भी हार नहीं मानी है, उनको फांसी देनी पड़ेगी। हैदराबाद में भी कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया, सैंपल की जांच में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने का पता चला। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री इटेला राजेंद्र ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जरूरी दिशा निर्देश देने के साथ फीडबैक लिया, करीब 80 संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही। तेलंगाना में कोरोना का मामला सामने आने पर कर्नाटक भी सतर्क, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने आज बेंगलुरु में आपात बैठक बुलाई। जयपुर में भी कोरोना वायरस का संदिग्ध मामला सामने आया है, एक इटालियन नागरिक का सैंपल पुणे भेजा गया, डॉक्टर्स को रिपोर्ट नहीं मिला। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना पीड़ित मरीजों पर रखी जा रही है बारीकी से नजर, फिलहाल दोनों की हालत स्थिर। असम की बीजेपी एमएलए सुमन हरिप्रिया का कोरोना को लेकर अजीबोगरीब बयान, कहा गौमूत्र और गोबर से हो सकता है इलाज। भारत में चीन, हांगकांग समेत 11 देशों के आने वाले पैसेंजर्स की होगी स्क्रीनिंग, कोरोना को लेकर डीजीसीए ने फैसला लिया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में अज्ञात लोगों ने बीजेपी के दफ्तर को आग के हवाले किया, आग में जलकर ऑफिस खाक, किसी के हताहत होने की खबर है। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी में फिर से मतभेद सामने आए, एनसीपी के मुस्लिमों को शिक्षा में 5% आरक्षण देने के ऐलान के बाद शिवसेना पशुपेश में।